चुनाव की दहलीज पर खड़े पश्चिम बंगाल के चुनावी माहौल को आज गृह मंत्री अमित शाह ने गर्मा दिया है। अमित शाह आज बांकुरा में है जहां वो स्थानीय कार्यकर्ताओं से बात कर रहे हैं, मुलाकात कर रहे हैं। वो दिन भर बंगाल में ही रहेंगे। उनकी मौजूदगी से बंगाल का सियासी माहौल एकदम गर्मा गया है। हम आपको ये भी बता दें कि कुछ दिन पहले पश्चिम बंगाल के राज्यपाल ने गृहमंत्री से मुलाकात की थी, कानून व्यवस्था को लेकर जिस तरीके से राज्य में हालात है उसको लेकर चर्चा की थी। और आज अमित शाह ने बांकुरा में एक बीजेपी कार्यकर्ता को श्रद्धांजलि दी जिसकी कुछ दिन पहले हत्या हो गई थी। कल रात से मैं बंगाल में हूँ, जहाँ पर भी गया इसी प्रकार का उत्साह, इसी प्रकार का स्वागत दिखाई पड़ता है। एक और तो ममता सरकार के प्रति भयंकर जनाक्रोश दिखाई पड़ता है और दूसरी ओर श्री नरेंद्र मोदी के प्रति एक आशा और श्रद्धा दिखाई पड़ती है कि बंगाल के अंदर परिवर्तन श्री मोदी जी के नेतृत्व में ही आ सकता है। जो गरीब, दलित, आदिवासी और पिछड़े लोगों के लिए है उसको ममता सरकार रोक कर बैठी है। मैं ममता दीदी को बताना चाहता हूं कि आपके मन में भय है कि इन योजनाओं को रोकने से आप भारतीय जनता पार्टी को रोक लोगी, तो आपकी भ्रांति है। आप एक गरीब लोगों के लिए मोदी जी ने जो 6000 रुपया प्रति साल भेजा है वो पहुंचने दीजिए। प्रकार का दमन का चक्र विशेषकर भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के ऊपर ममता सरकार ने चलाया है। मैं निश्चित रूप से देख रहा हूं कि ममता सरकार का मृत्युदंड बच चुका है। आने वाले दिनों में यहां भारतीय जनता पार्टी की 2/3 बहुमत की सरकार बनने जा रही है। तीन तस्वीरें लगातार, सबसे पहले दो दिन का दौरा, 2/3 बहुमत का दावा गृहमंत्री अमित शाह कर रहे हैं, बीजेपी संगठन की बैठक में शामिल होंगे, साथ ही साथ आदिवासी बहुल इलाके में भी वो जाएंगे और वहां उनके साथ भोजन भी करेंगे। सीधे सीधे उन्होंने आरोप लगाया कि केंद्र की तरफ से जितनी भी मदद, चाहे वो आदिवासियों के लिए हो, चाहे वो किसानों के लिए हो, गरीब लोगों के लिए भेजी जाती है, वो यहाँ पर उन तक नहीं पहुँचती है। तो केंद्र वर्सेस स्टेट, और इससे पहले हमने देखा था कुछ दिन पहले, पिछले ही हफ्ते की बात है, जब गवर्नर पहुंचे थे गृहमंत्री अमित शाह से मुलाकात करने के लिए और उन्होंने इस बात का जिक्र किया था कि जिस तरीके से कानून व्यवस्था पूरे प्रदेश की है उसको लेकर एक चिंता है, जो चिंता जाहिर की थी उन्होंने खुद गृहमंत्री के सामने। और आज गृहमंत्री का 2 दिन का ये दौरा जिसमें उन्होंने आदिवासी, किसान और गरीब का जिक्र किया, सोनार बंगाल का जिक्र करते हुए मिशन बंगाल की शुरुआत, जिसमें उन्होंने कहा कि जिस तरीके से हालात हैं उसमें 2/3 बहुमत के साथ बीजेपी आने वाले समय में यहां पर सरकार बनाएगी, ऐसी बात गृहमंत्री अमित शाह करते हुए नजर आए। आपको बता दें कि संगठन के साथ बैठक करनी है, कार्यकर्ताओं के साथ बैठक होगी और इस पूरे इलाके के तमाम नेता, कार्यकर्ता सभी यहां पर मौजूद हैं। कोर कमांडर कोर स्तर पर भी ये कार्यकर्ताओं में जोश भरने की एक कोशिश। बिरसा मुंडा की प्रतिमा को नमन किया, कार्यकर्ताओं संग बैठक, कल मंदिर में दर्शन पूजन भी होना है। केंद्र की योजनाओं को लागू नहीं किया जा रहा है, ऐसा आरोप उन्होंने प्रदेश सरकार पर लगाया है। ममता सरकार ने योजनाएं लागू नहीं की, जिनमें वो योजनाएं जो कि आदिवासियों के लिए बनाई गई थी, वो योजनाएं जो कि किसानों के लिए बनाई गई, वो योजनाएं जो गरीबों के लिए बनाई गई।